Hello guys, welcome back again to a new video. So today we will be talking about DAC versus DBDA placement scenario. क्योंकि मैं DBDA ब्रांच से हूँ और बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि DAC करे या DBDA करे, प्लेसमेंट किसकी ज़्यादा होगी, प्लेसमेंट का सीनियर किस तरह से होता है, एक्चुअली में प्लेसमेंट कितनी होती है DBDA की, होती भी है नहीं है, बहुत डाउट है लोगों के। और जब भी मैं किसी से बात करता हूँ सीडैक के बारे में तो उनके माइंड में सिर्फ DAC कोर्स ही होता है, बाकी कोर्स के बारे में वो सोचते भी नहीं है। DAC कोर्स जो है वो सीडैक का बेस्ट कोर्स माना जाता है और उसके लिए कंपनीज ज़्यादा आती है, ज़्यादा पैकेज के साथ भी आती है। सो अगेन, क्या ये सब चीज़ें सही है या आपको कोई और जो ब्रांच है और कोर्स है उसको भी देखना चाहिए, तो इस वीडियो में पूरी डिटेल जानकर आपको बताऊंगा मैं किस तरह से चलता है प्लेसमेंट का सिनेरियो। जितने मैंने अभी देखा है 15 डेज में प्लेसमेंट देख रहा हूँ सीडैक में, सीडैक पुणे में, जो पुणे रीजन है उसका प्लेसमेंट चल रहा है अभी। सो अगेन स्टार्टिंग विद, देखिए DAC कंपनीज के बारे में जो चीज़ें होती है, बात होती है कि यार प्लेसमेंट ज़्यादा है, पैकेज ज़्यादा है, तो ये ऑफ कोर्स सही बात है। जैसे कि हम हर रोज़ कंपनी आती है, आपको रात में ही मिला जाएगा कि कंपनी कौन सी आई है, फिर उसकी डिटेल्स आ जाएगी। तो DBDA में कैसा होता है कि कभी कभार एक दो दिन में स्लैक चलता है कि यार कोई कंपनी आई नहीं, कभी कभार आती है तो फिर दो तीन कंपनी साथ में आती है, तो इस तरह से चलता है। पर जितना मैंने देखा है DAC में तो ऑफकोर्स उनको रोज़ कंपनी आती है कोई ना कोई, उनका एक भी दिन जो है वो मीन्स उनको ऑफ नहीं मिलता है, वो उनको हर रोज़ कंपनी आती है, हर रोज़ शॉर्टलिस्टिंग होती है, उनका सब काम चलते रहता है। और उसको ऊपर अगर आप दूसरे नज़र से देखोगे तो वो एक चीज़ ये भी है कि यार कंपनीज कम आ रही है DBDA के लिए। तो देखिए इसको अभी थोड़ा डिटेल में जो है ना समझते क्या चीज़ें हैं। जैसे कि अभी देखिए पैकेज जो है DAC के लिए मैंने इस बार हाईएस्ट देखा है 25 लाख का, और उसके बाद में 15-16 ऐसे कंपनीज भी बहुत आई है, एंड 12-13 अगेन 12-13 का मैं कहूँगा कि एवरेज पैकेज इनके 10 के ऊपर ही चलते हैं, 10-11-12 और बाकी फिर नीचे तो है 8-9-10 के लिए। तो इतनी कंपनीज जो आई है मैंने देखा है कि उसमें 10-12 के पैकेज जो है इनका एवरेज चल रहा है। और DBDA में जैसा कि बात करूँ अभी 13.5 का जो हाईएस्ट पैकेज आया था तो वो 13.5 था, और उससे नीचे आपको 12 या 10.3 तक मिल जाएगा, वो भी ज़्यादा कंपनीज नहीं आई थी। तो एवरेज DBDA में चलता है 8-10 और DAC में चलता है आपका 10-13। सो कहीं ना कहीं पर एवरेज पैकेज DAC का ज़्यादा है और कंपनीज भी ज़्यादा आती है। बट नाउ अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा है वहाँ पर। आप अगर आप देखोगे कि पुणे रीजन में अभी मैं बात कर रहा हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली पकड़ के चल रहा हूँ कि अगर 1000-1200 स्टूडेंट DAC के हैं तो वहीं पर आपको 200-250 स्टूडेंट मिलेंगे DBDA के, तो अगेन वहाँ पर आपका कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा कटआउट होता है। तो आपको ये भी देखना कि 25% स्टूडेंट जो है उनके कंपेरिजन में DAC के वो DBDA के स्टूडेंट्स हैं, तो फिर उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो अगेन कंपनीज जो है मैं कहूँगा कि ठीक है, क्योंकि बहुत पहले मैंने जो देखा था 2-3 साल पहले सुना था तो DBDA के लिए कंपनी बहुत कमाती थी इस जो फील्ड में जो है, फ्रेशर्स को बहुत ज़्यादा मीन्स प्रेफर नहीं किया जाता था। पर अभी ये सिनेरियो चेंज हो चुका है, अभी मैंने मेरे जो एक दोस्त है जिन्होंने किया है DBDA पहले 2020 बैच से, तो उनसे भी बात की, उनको भी मैंने बताया कि यार 8 लाख और 9 लाख की कंपनीज ऑन एन एवरेज आ रही है, अच्छी पैकेज दे रही है। पर अभी क्या हुआ कि 13 पॉइंट 14 पॉइंट ऐसे देखने के बाद जो है बाकी लोगों के मन में भी यार चल रहा था कि यार फिर एक कम है उनको, उनके लिए फिर ऐसा हुआ कि पहले तो चल रहा था कि 8 या 9 चलेगा, फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि यार अब ये कम लग रहा है, तो कुछ लोग जो है इसको ऑप्ट आउट कर रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि यार ये कंपनी अच्छी नहीं, मुझे तो और बढ़िया पैकेज चाहिए। तो उनके लिए भी मैं बोलूँगा एक सलाह कि हमको फिर से बोला गया था कि आपको जो कंपनी मिलेगी आप उसको ले लीजिए, छोड़िए मत, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आएंगी उसमें से लगभग बहुत कंपनी जो है अच्छी कंपनीज ही है, सीडैक वालों के साथ उनका जो रिलेशन है अच्छा है और कंपनीज अच्छी भी लाते हैं। पर क्या होता है कि कभी कभार आप बोलते हो कि यार मुझे 8 लाख का है, 7 लाख का पैकेज मिला है, तो मुझे लगता है कि और मुझे 2-डिजिट पैकेज चाहिए, तो फिर आप ऑप्ट आउट कर दोगे इस कंपनी को। तो बिल्कुल भी ये स्ट्रेटजी मुझे लगता है, मुझे पर्सनल लगता है कि आप मत कीजिए, क्योंकि ग्रोथ जो है वो आपकी होने वाली है इन द कमिंग ईयर्स। सो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ऑप्ट आउट का जो डिसीजन लेते हो आप वो बहुत सोच समझ के लीजिए, कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कमियाँ लग रही है कंपनी में, कल्चर में, पैकेज में और आपके वर्क प्रोफाइल में, तो ही आप ऑप्ट आउट का ऑप्शन कंसिडर कीजिए, तो ऑप्ट आउट ऑप्शन आप कंसिडर मत कीजिए ओनली इस वजह से कि यार DAC वालों को कंपनी आ रही है ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं हमें भी आएगी और हम उस वेट में रहेंगे। आप उस वेट में रहोगे कि कंपनी आएगी और अच्छे, और कंपनी का जो सीनरी है वो चेंज हो जाएगा पूरी तरह से, कि जो कंपनी अभी 9-10-11 के लिए आ रही थी आप वेट करोगे उसके बाद में वो 7-6 के लिए भी आ सकती है फिर, तो ये एक चीज़ है। तो दोनों चीज़ों में आपको ध्यान में रखना कि DAC में कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है और कंपनीज फिर उनके हिसाब से आती है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट चाहिए ना DAC के स्टूडेंट्स के लिए, 1000-1200-1500 अगर बच्चे हैं तो उनको सभी को रिक्रूट करना है, तो उनके लिए फिर कंपनी भी ज़्यादा लगेंगी ऑफकोर्स।
और डीपीडी के लिए जो है 200-250 स्टूडेंट्स में कंपनी जो आ रही है, मैं कहूँगा कि अभी फिलहाल तो ठीक ही चल रहा है। तो कोर्स के अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो डैक और डीपीडीए में कहूँगा कि डैक में आपको जावा और मेन सब चीज़ें फुल स्टैक पर ध्यान दी गई है, और डीपीडीए में भी बहुत सारी चीज़ें कि आप मीन्स देखिए 8 to 9 जो टेक्नोलॉजीज है उसमें आपको कोर्स मिलेगा, और उसमें आप देख सकते हैं पाइथन, आर, जावा, साथ ही में आपका बिग डेटा, मशीन लर्निंग और लिनक्स, क्लाउड, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, स्टैटिस्टिक्स, एडवांस एनालिटिक्स, और तो ये सब चीज़ें हैं। तो कोर्स ऑफकोर्स इतना प्रोफेशनल फैंसी कोर्स नाम लगता है, कोर्स में आपकी जो सभी सब्जेक्ट्स भी है वो भी बहुत ज़्यादा मीन्स हायर साइड पर है, पर कहीं ना कहीं उन हिसाब से पैकेज फिर ऐसा लगता है कि यार क्यों पैकेज कम आ रहा है। पर आप देखिए एक चीज़ कि आपको सबसे पहले आप इसमें पॉजिटिव चीज़ें ढूंढिए कि आपको इस इंडस्ट्री में जाने का मौका मिल रहा है, एज अ डेटा एनालिस्ट, एज अ डेटा इंजीनियर आपको मिलेगा प्रोफाइल, और उसके बाद में आप जो ग्रो करोगे अगले ईयर, उसके अगले ईयर आप जब स्विच करते हो या फिर आपके परफॉर्मेंस पर बेस्ड भी होता है ना सब चीज़ें, तो आप जब ग्रो करोगे ना तो ये सब चीज़ें आपके माइंड में भी नहीं आएंगी बाद में कि यार क्या मैंने कम से शुरू किए। मुझे लगता है यार बेस्ट है कि 8-9 लाख से भी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुरू किया करना बहुत बढ़िया चीज़ है। 8-9 लाख से शुरू करते हो तो उसके बाद में आप ग्रो करने वाले हो। जैसे कि मैंने बताया कि मैं जैसे बात की थी मेरे दोस्त से, तो उन्होंने कहा था कि उनके वक्त डीबीडीएम में 8 या 9 लाख की जो कंपनी थी वो एज एन हायर साइड पैकेज लेके आई थी, जो आज 13-14 लाख के आसपास आई है, और उसमें भी बहुत कंपनीज कम आती थी, क्योंकि हायर पैकेज पे जो है कंपनीज कम ही आती है, एवरेज पैकेज पे कंपनी बहुत आती है। अगर हायर पैकेज 14-13 का है तो 1-2 कंपनी आएंगी जो उसके पास में होगी, बाकी सब कंपनी जो आपको 9-10-8 उसके रेंज में आएंगे। और सिमिलरली फॉर डैक 25 लाख का मैंने जो बोला है फिगर वो मैक्सिमम फिगर था उसके, मैंने एक ही कंपनी देखी है, फिर बाद में जो 15-16 उसमें भी कुछ 2-4 कंपनी थी, तो एवरेजली अगर बात करूँ तो 12-13 के आसपास उनकी आती है, और अभी मैंने देखना शुरू किया कि 8-9 लाख के भी कंपनीज 8.6-8.39 लाख वो भी कंपनीज उनके लिए आ रही है। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और बहुत ज़्यादा उनको प्रेफरेंस मिलता है, उनके बच्चे ज़्यादा है, उनको आपको समझना होगा कि उनके पास काउंट ज़्यादा है डीपीडीए से। और अभी और एक बात ऐसी है कि फ्रस्ट्रेशन आएगा, स्ट्रेस भी बढ़ेगा कि ग्रुप पे बहुत लोग देखे मैंने कि यार गलत तो नहीं करते डीबीडी लेकर, डायरेक्ट करना चाहिए था, फिर से एक बार डायरेक्ट कर लेते और एक बार से डायरेक्ट में एडमिशन ले लेंगे। तो एक चीज़ देखिए कि अगर सब चीज़ कोर्स पर होती तो फिर यार हर कोई भी जो है ना सक्सेसफुल होता है, कि ऐसे नहीं कि डायरेक्ट में सभी लोग सक्सेसफुल है। पैकेज को वैल्यू मत कीजिए, स्किल को वैल्यू कीजिए, ऑफकोर्स सब लोग ग्रो करेंगे बाद में। अगर आप कहते हो कि यार मुझे डायरेक्ट लेना था, तो डीबीडी में मोस्टली मैं कहूँगा कि जो भी लोग आते हैं उनका, मैं खुद के प्रेफरेंस से बता रहा हूँ, एम ये होता है कि मुझे यार कोडिंग पसंद नहीं है ज़्यादा, तो मैं कहीं ना कहीं डेटा हैंडलिंग और डेटा जो टेक्निक्स है सब उसमें जाऊँगा और वहीं पर मुझे काम वो चलेगा मुझे काम। पर कोडिंग जो है एटमोस्ट जो फुल स्टैक डेवलपमेंट है वो चीज़ों से मुझे दूर रहना है, इसलिए मैंने डीबीडी लिया था। और यही सोच के साथ में बहुत लोग आते हैं, जो मैं ऐसा नहीं कहूँगा सब लोग आते हैं, पर बहुत लोग इस सोच के साथ में आते हैं कि मुझे यार डेटा के साथ काम करना एक बार पसंद आएगा, पर मुझे यार हार्ड कोर कोडिंग की ओर नहीं जाना है। तो अगर आप डैक कोर्स करते हो और उसमें भी परफॉर्म नहीं करोगे अच्छे से, तो फिर किस बेसिस पर कंपनी आपको हायर करेगी ना, वो भी एक देखने वाली चीज़ है। तो इसलिए स्किल को देखिए और जो आपको पसंद है वो कीजिए। जॉब सबको मिलने वाला है, सब ग्रो करने वाले, वो चीज़ सेकेंडरी है आपके लिए। फ्रस्ट्रेशन रहेगा क्योंकि वो पीरियड के लिए जो है ना, अगर आप 10-15 दिनों के देखोगे कि बहुत लोग प्लेस हो रहे हैं, अगर आप प्लेस नहीं होते तो कहीं ना कहीं माइंड में फ्रस्ट्रेशन रहता है कि आप गलत तो नहीं कर दीजिए, नहीं कर दिया। पर ये स्टैटिक चीज़ें बहुत कम समय के लिए आपके दिमाग में रहने वाली है। मेरे भी दिमाग में चल रहा था सब चीज़ें, पर जब प्लेसमेंट हुआ आई एम ऑल फाइन नाउ कि यार हो गया, चलो अच्छे से हो गया सब चीज़ें। पर ये आपको ध्यान में रखना है कि ये पीरियड में आपको बहुत चीज़ें आएगी दिमाग में, यार गलत तो नहीं कर दिया, पर आपको स्टिक टू रहना है, आपको जो पूरा स्टडी है, आपको जो आपका रूटीन चल रहा है उसको स्टिक रहना है। तो ऐसा मत करो कि यार मैं उसी ख्यालों में हूँ कि यार क्या गलती कर दी मैंने कि डैक लिया नहीं है, तो ये चीज़ ड्यूरिंग प्लेसमेंट तो बिल्कुल मत करना, और ये होने वाली आपके साथ में चीज़ें, ये ध्यान में रखना। 10-15 डेज स्टार्टिंग के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग रहेंगे आपके लिए, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होने वाला है। और सबसे लास्ट में एक बात जरूर कहूँगा कि कंपनीज जो आती है ऐसा नहीं कि प्रेफरेबली सिर्फ डीबीडी की कंपनी, तो डीबीडी के लिए आएगी। तो जो मैंने अभी तक सिचुएशन देखी है, कई कई कंपनीज डीबीडी और डैक के लिए सिमिलर आती है, तो उस समय बॉस कॉम्पिटिशन तो और बढ़ जाता है, क्योंकि 1000-1200 बच्चे आपके डैक के लिए भी है और आपके 250-200 बच्चे आपके डीबीडी के लिए है, तो सब मिला के कहीं ना कहीं ये शॉर्टलिस्टिंग सब मिलाकर 1500 के पास भी जाती हैं। तो ये डरने की बात भी बिल्कुल नहीं है। आप शॉर्टलिस्टिंग कितने कैंडिडेट्स हुए, क्या हुए, बिल्कुल मत देखिए,
आपको इतना देखना है सिर्फ, यार मुझे अगर पेपर देने का चांस मिलता है तो मैं आपको पेपर सॉल्व करूँ, मुझे अगले राउंड के लिए एलिजिबल होना है। और साथ ही में अगर इंटरव्यू के लिए भी पूछते हो, आप इंटरव्यू में ये मत देखिए कि साथ में मेरे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं और मैं इसमें कैसे परफॉर्म करूँगा, उनको कैसे मैं उनसे कैसे कॉम्पिटिशन करूँगा ना, बेसिकली ये क्वेश्चन था। तो आप आपके इंटरव्यू पर फोकस कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए कितने लोग आपके साथ में हैं, कॉम्पिटिशन क्या है, आपको सिर्फ आपके परफॉर्मेंस पर ध्यान देना है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मदद होगी, हेल्प होगी। मैं और मेरे दोस्त जो थे हम लगभग इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए थे तो 150 लोगों के लॉट में थे हम लोग, तो 150 लोगों का इंटरव्यू हुआ था और वो भी मुझे कह रहा था कि यार किस तरह से होगा प्लेसमेंट, क्योंकि बहुत लोग कॉम्पिटिशन में है। मैंने कहा था, वही कहा था कि यार फोकस करो खुद के उस पर और हो जाएगा, और देख सकते हैं आप प्लेसमेंट हो चुका है मेरा भी। तो मुझे भी नहीं लगा था कि यार इतने जल्दी और इतने फास्ट और इस तरह से हो जाता है प्लेसमेंट, आपको पता नहीं चलेगा। जो भी लोगों से मैंने बात की है ना, प्लेसमेंट जिनका हुआ है, तो वो इतना सुपर फास्ट एक्टिविटी होती है कि आपको समझ में नहीं आएगा किस तरह से आपका पेपर होगा, कब आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। आपके दिमाग में ही चलता है कि यार इंटरव्यू में हुआ नहीं हुआ, कैसे होगा, और इंटरव्यू होने के बाद में आपको पता चलेगा कि आप हो गए प्लेस, तो आपको कहोगे हो गए प्लेस भाई साहब, कब हो गए, कैसे हो गया। तो इस तरह से आपका रिएक्शन होगी पहली बार, अरे हो भी गया प्लेस। तो अगर जो आपकी सिचुएशन कंसिडर किया जाए पहले, अरे यार जॉब नहीं लग रही है, स्ट्रेस लेवल हाई, और बाद में लग गया भाई, तो ऐसी चीज़ें होने वाली है लाइफ में, और ये स्ट्रेस वाली चीज़ें तो चलने वाली है। तो साथ ही में कुछ कंपनीज ऐसी भी है कि जो DBDA DTS DAC तीनों के लिए आएगी, कुछ कंपनीज DBDA DI के लिए आएगी सेपरेट, कुछ कंपनीज आती है जो फिर सिर्फ DBDA के लिए है। जो मैंने अभी तक का 2-3 ही कंपनीज देखी है जो सेपरेटली DBDA के लिए आई है, और फिर उसमें क्या होता है कि हाँ उसमें आपको फिर कंपटीशन बहुत कम मिलती है, 200-250 स्टूडेंट्स है उसमें से शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसमें से फिर इंटरव्यू के लिए और कम हो गए। तो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ भी है, तो आपको कभी कभी डायक वालों के साथ भी कंपटीशन करनी पड़ती है। तो ऐसा मत समझिए कि डायक वालों की कंपनी आती है तो हमको वो कंपनी मिलेगी नहीं मिलेगी, कई कई कंपनीज अलाउड करती है और पैकेज भी लगभग सेम रहता है उन कंपनी का। तो ये आज का मेरा इंसाइट था थ्रू आउट जो मैंने अभी तक का प्लेसमेंट का सिनेरियो देखा है, उस हिसाब से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। अगेन सबसे लास्ट यही कहूँगा कि लाइव सेशन मैं करने की सोच रहा हूँ दोस्तों के साथ में, मुझे चाहिए आपका सपोर्ट और मोटिवेशन मिलेगा कब, अगर आप सब्सक्राइब करते हो चैनल को तो मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आ सकूँ। तो यही मोटिवेशन बनाने के लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। तो 2-3 दिन में लाइव सेशन होने वाला है, तो आप अभी से आपके दोस्तों को बता दीजिए चैनल के बारे में और शेयर करिए वीडियोज़ को, सो वो भी लोग लाइव वीडियोज़ में आकर उनके क्वेश्चन पूछ सकते। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।